हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपका सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, इंडियन व्लॉगर बुलबुल पे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों ने कहा था मेरे पापा अमेरिका गए हैं तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, और एक्चुअली मैं भी शेयर करना चाहती थी, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं, तो अब तो शेयर करना बनता है। सो आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग का वो देख लिया होगा, कमिंग अप क्या क्या आने वाला है, तो इसीलिए आप मेरे चैनल पे आए हैं वीडियो देखने के लिए टाइटल पढ़ करके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पापा ने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं रास्ते की, और कुछ भैया ने रिकॉर्ड करी है अमेरिका पहुँच जाने के बाद की, सो वो अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके इस व्लॉग को बहुत इन्जॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको मुंबई एयरपोर्ट की क्लिप ही मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। पापा जब वहाँ पहुँच गए थे, उन लोगों का इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मेरे पापा जी ने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो मम्मी आगे चल रही हैं और पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह से मैं आपके साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा बहुत और भी रिकॉर्ड किया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर मम्मी पापा फ्लाइट में बैठ जाएंगे, वो पहले दुबई गए थे, मतलब मुंबई टू दुबई उनकी जो फ़्लाइट थी अमेरिका की वो वाया दुबई थी। सो पहले वो 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट से दुबई पहुँचे, फिर वहाँ पे 2-2.5 घंटे का हॉल था, देन वो उसके बाद अमेरिका की फ़्लाइट में रात में आई थिंक 4-5 बजे बैठे थे, मतलब दिन में अपने इंडियन टाइम से, और फिर वो नेक्स्ट डे अमेरिका पहुँचे थे। इस तरह से करते करते वो अमेरिका पहुँचे हैं। पहले मतलब फ़्लाइट उनकी जो थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मेरा कहने का ये मतलब है। अब आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। गाइस, मैं भी यूज़ करने जा रही हूँ अपने फेस पे न्यूड का ग्रीन टी फेशियल मिस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मिस्ट क्या होता है। मिस्ट एक तरह का आप टोनर समझ सकते हैं। जब आपका फेस बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है तो आपको लगता होगा ना कि आप जल्दी से फेस वॉश कर लें, तो आप फेस वॉश नहीं कर सकते क्योंकि आपके फेस पर होता है मेकअप। तो उस जगह आप यूज़ कर सकते हैं फेशियल मिस्ट, और अपने फेस को आप एकदम हाइड्रेटिंग, प्लम्प और बहुत ही ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये है न्यूड ग्रीन टी फेशियल मिस्ट विद बिलो बार एक्सट्रैक्ट फॉर यूथफुल एंड हाइड्रेटेड स्किन। इस मिस्ट को लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल और इजी है। सबसे पहले जब आप अपने फेस को वॉश करके आते हैं उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। जब आपका फेस बहुत डल और डिहाइड्रेटेड आपको फील हो रहा हो तब भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बिलो बार्क एक्सट्रैक्ट, जिंक PCA, सोडियम बेंजोनेट, ऑर्गेनिक ग्लिसरीन फ्रेग्रेंस एंड एक्वा, जो कि सभी आपकी स्किन को प्लम्प और हाइड्रेटेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो न्यूड में आपको 5 अलग अलग वेरिएंट के मिस्ट मिल जाते हैं, जिसमें अलग अलग फ्लेवर है, बीट रूट है, रोज वाटर है, ग्रीन टी है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन टी मिस्ट लिया है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपके फेस पे एक्ने पिंपल हो जाते हैं तो भी आप इस मिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये जो बॉटल है ये 100 ml की बॉटल है, और जो इसका प्राइस है वो 480 rupees है। 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जो इसकी पैकेजिंग है वो तो ऑसम है। आप सब जानते हैं न्यूड की जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट होती है। तो इसकी भी आप पैकेजिंग देख सकते हैं, इसमें डबल कैप दिया हुआ है। ये जो आप वाइट कलर का कैप देख रहे हैं इसके ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक और आपको कैप मिलता है, उसके बाद आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है, मतलब अंधेरा हो चुका है, और अब बस फ्लाइट का थोड़ी देर में टाइम होगा ही। तो मम्मी पापा यहाँ बैठे थे तो उन्होंने मेरे लिए ये अगेन क्लिप रिकॉर्ड करी है। यहाँ लाउंज में बैठे रहे होंगे मम्मी पापा, और ये देखिए यहाँ सामने से दिखाने का पापा ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स खड़े थे, मतलब जो एरोप्लेन है वो सामने ही यहाँ पे ग्लास के सामने खड़े हुए हैं। तो वो ट्राई तो कर रहे हैं बट आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो में, सो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट उन्होंने ट्राई काफ़ी किया। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे सेम चैनल के नेम पर है, इंडियन ब्लॉगर बुलबुल। और हाँ, मम्मी पापा की जो फ़्लाइट थी वो रात के 10:20 की फ़्लाइट थी, तो मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि फ़्लाइट जो थी वो बाहर जाने की, मतलब दुबई की, वो रात के 10:20 की थी। तो ये इंडिया की लास्ट क्लिप है, इसके बाद मम्मी पापा बैठ गए थे फ्लाइट में, वो सब तो पापा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी ये फाइनली ये पहुंच गए हैं यहाँ पे अमेरिका, और ये क्लिप मेरे भाई ने रिकॉर्ड करी है। यहाँ पे वो शायद फ़्लाइट का स्टेटस वगैरह कुछ देख रहे थे। सो बस फाइनली भैया भाभी आने वाले हैं मम्मी पापा को एयरपोर्ट में लेने के लिए। सो ये देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाय, उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा के वेलकम के लिए भैया भाभी ने केक कट कराया। सो यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मम्मी पापा पहुंच गए हैं आराम से, अच्छे से। और हाँ, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, अभी मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, ये मैंने 3 दिन बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, घर बहुत खाली खाली हो गया था। और वो बहुत सैड थी, वो बोल जरूर रही थी कि आई एम नॉट सैड, बट उसको फील हो रहा था कि नाना नन्नू चले गए हैं। उसको बहुत खाली खाली लग रहा था, और हर चीज़ में वो बोल रही थी कि नन्नू आएंगी तो करूँगी, क्योंकि ब्रश भी वो मम्मी के साथ करती थी, खाना भी वो मम्मी से खाती थी। सो वो सारी बातें हैं कि वो मिस कर रही थी, और बट कोई बात नहीं, मम्मी पापा अच्छे से पहुँच गए हैं। और आपने इस व्लॉग को पसंद किया, लास्ट वाले ब्लॉग को पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैप्पी जर्नी के, उसके लिए भी थैंक यू। मम्मी पापा आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पर भी वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, और अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के। तो चलो फिर इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, कल से अपने रेगुलर वीडियोज स्टार्ट करूँगी, और बीच बीच में आपके साथ अमेरिका के वीडियो शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे मम्मी पापा मुझे क्लिप्स भेजते हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ आगे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो चलिए
और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी रील्स भी डालती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो इंडियन ब्लॉगर बुलबुल मेरे सेम चैनल के नेम पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।